मनोज सिन्हा जी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। आप सबसे गुजारिश है कि तालियों के साथ हमारे चीफ गेस्ट प्रकृति के संरक्षण से इसे आप जोड़ सकते हैं।
और जीवन में उनकी सादगी ऐसी है जिससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे यहां एक बात कही जाती है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कृष्ण की चर्चा करेंगे तो पैगंबर मोहम्मद की चर्चा करेंगे तो और ईसा मसीह की चर्चा करेंगे तो ये तीनों चरवाहे। और इसलिए ये कहा जाता है कि हर युग का इतिहास यही है, अपनी अपनी भेड़े चुनकर जो भी चरवाहा होता है उसके सर पर नील गगन की रहमत का साया होता है। ये बनता मैंने कभी इसके सौंदर्य बोध में रोमांटिसिज्म में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण रही है बावजूद इसके सदियों से इतिहास के पन्नों ने भी उनके जीवन को वो प्रमुखता नहीं दी जिसके वो हकदार थे। रोड पर, हाईवे पर, जंगलों में अपने मवेशियों के साथ जा रहे परिवार को देखकर लोग सोचते जरूर है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं, इन्हें जाना कहां है, ये भोजन कहां करें, इनके बच्चे कहां सोएंगे, ये पढ़ेंगे कैसे। तमाम सोच उनके गुजरने तक मौजूद रहता था, फिर कहीं ना कहीं बसमती हो जाती थी। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में जाएंगे तो किताबें कम मिलती। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है इस व्यवसाय से जुड़े जो समुदाय के लोग, एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में, कोशिश ईमानदारी से कोशिश पिछले 3-4 सालों में की गई है। देश के बाकी हिस्सों में जो कार्यक्रम उनके लिए चल रहे थे वो कार्यक्रम यहां भी अच्छे ढंग से चले और समय नहीं उस पर उसके विस्तार में जाऊं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि संतोष पूर्वक इस बात को कहा जा सकता है कि पिछले 3-4 वर्षों में इन समुदाय के लोगों के जीवन में बदलाव आए। इसकी शिद्दत से, ईमानदारी से, संवेदनशीलता के साथ कोशिश की गई है। मेरे पूर्व कुछ बातें बता दी गई इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। वही शंकर साहब ने जो बात की उसमें आदि आदर्श ग्राम योजना यहाँ अलग भी जमीन पर लागू है और ट्राइबल प्लान में जो भी स्कीम भारत सरकार की चल रही है ये 4 साल पहले शायद रहा होगा। अब कोई ऐसी स्कीम देश में नहीं चल रही है जो जम्मू कश्मीर में नहीं चल रही, तो उसे कोशिश की जा रही है और उनके जीवन में एक नया सवेरा आवे। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में उनका योगदान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कम न हो, इसकी एक सुसंगत योजना बनाने की कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये बन भी जाएगी। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जा रही है इनके जीवन में एक नया सवेरा आ सके और उन्हें जंगलों पर निर्भर नहीं बल्कि जंगलों के संरक्षक के रूप में जम्मू कश्मीर प्रशासन देखता है। क्लाइमेट वैरियर के रूप में हमने देखते हैं अनेक योजनाएं शुरू की गई है। भी हमारे सेक्रेटरी ने बताया कि आइडेंटिफिकेशन का काम पूरा किया गया है और अनेक योजनाएं हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के वर्कशॉप में आप सब इस पर विचार करेंगे। मुझे महात्मा गांधी की एक बात ध्यान में आ रही है और मुझे लगता है कि गांधी जी ने जीवन में कोई ऐसी बात नहीं कही जिसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। जो वो कहते थे मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग ये मान लेते हैं कि वो सत्य है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने एक बार कहा कि जो आप किताब में पढ़ते हो या जो ब्लैक बोर्ड पर स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आपके दिमाग में कम घुसता है और जो हाथों से प्रयोग करते हो वो ज्यादा समझ में आता है। अब दुनिया में जो बड़े आविष्कार हुए हैं और बहुत समय उसमें नहीं बर्बाद करते मैं और मेंडल करते क्या थे, वो केवल बॉटनी में पढ़ाई किए थे ऐसा नहीं था। हजारों पौधे अपने घर में लगाते थे और रोज 2 घंटा उनका नियम यह था कौन सा परिवर्तन हो रहा है फूलों में पत्तियों में उसको समझते थे और गणना के भी वो अपने में माहिर थे।
इसके कारण वो आविष्कार कर सके और पूरी कोरोना की रफ्तार रोक दिया। तो मैं मानता हूं कि जो समुदाय है इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, हम जो कुछ भी योजनाएं बनाए, मुझे लगता है कि उनके व्यवहारिक ज्ञान या प्रयोग के आधार पर जिन्होंने जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसका समावेशन ये बड़ा आवश्यक है। और ऐसी कोई योजना जब हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो सफलीभूत होगी और जो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी उसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। मैं इस आयोजन के लिए अपने ट्राइबल फेयर डिपार्टमेंट को, चीफ को और अपने बाल साइंस को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन दो दिनों में जो मंथन के बाद जो डिक्लेयर किया गया है जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम एक सेंट्रल नोडल एजेंसी का रोल प्ले कर रही है, सभी कंट्रीज जो हैं उनमें एक नेशनल लेवल की टीम है और ऐसे ही साउथ एशिया रीजनल सपोर्ट ग्रुप है जिसका हम एक मेंबर हैं और उसको लेके चलते कंसल्टेशन है डिफरेंट लेवल पे के पेस्टरलिस्ट को लेके पब्लिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेके या उनका जो रोल है एनवायरनमेंट में क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए उनको अकाउंट फॉर किया जाए और ऐसी पॉलिसीज बने जो एक रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए कारगर साबित हों और इनको एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ केयर और बाकी सारी जो चीज़ें हैं जैसे लाइवलीहुड या बाकी सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।